Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affair session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Kinzhal Advanced Hypersonic Missile. So we will know Kinzhal Advanced Hypersonic Missile. It is a nuclear capable air launch ballistic missile that flies at 10 times the speed of sound and can overcome air defense system. Kinzhal means dagger. ये जो है किंजल एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि फ्लाई करता है 10 गुना अधिक स्पीड से साउंड के और ये ओवरकम कर सकता है एयर डिफेंस सिस्टम को। किंजल का मतलब होता है डैगर। द मिसाइल हैज ए रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 किलोमीटर एंड कैरी अ न्यूक्लियर पेलोड और कन्वेंशनल पेलोड ऑफ 480 केजी। ये जो मिसाइल है इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 किलोमीटर का है। ये कैरी कर सकता है न्यूक्लियर पेलोड या कन्वेंशनल पेलोड को 480 केजी तक। द किंजल वॉज वन ऑफ एन एरे ऑफ न्यू वीपन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनवील्ड इन हिज स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस इन 2018। पुतिन हैज टर्म्ड किंजल एज एन आइडियल वीपन। जो किंजल था वो वन ऑफ एन एरे न्यू वीपन में से एक था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनवील किया था इसको अपने नेशन को एड्रेस करते समय 2018 के समय पे। पुतिन ने किंजल को कहा था कि एक आइडियल वीपन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रशिया हैज एडमिटेड टू यूजिंग द हाई प्रेसिडेंट वीपन इन कॉम्बैट। और ये पहली बात है कि रशिया ने एडमिट किया था कि उसने यूज किया हाई प्रेसिडेंट वीपन को कॉम्बैट के दौरान। फॉलोइंग लॉन्च किंजल रैपिडली एक्सलरेट टू मार्क 4 एंड मे रीच स्पीड अप टू मार्क 10 किलोमीटर पर आवर। लॉन्च के बाद किंजल जो है वो रैपिडली इंक्रीज एक्सलरेट करता है मार्क 4 से और उसका स्पीड जो मार्क 10 तक चला जाता है। ये हाइपरसोनिक वीपन है क्या जिसमें किंजल भी आता है? दे आर नॉर्मली डिफाइंड एज फास्ट लो फ्लाइंग एंड हाईली मैन्यूरेबल वीपन डिजाइन टू बी टू क्विक एंड अजाइल फॉर ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिटेक्ट इन टाइम अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। अगर हम ब्लूमबर्ग की माने तो ये जो है हाइपरसोनिक वीपन ये नॉर्मली डिफाइन किया जाता है कि एक बहुत ही फास्ट लो फ्लाइंग और हाईली मैन्यूरेबल वीपन है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि वो बहुत जल्दी अजाइल हो ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ताकि वो उसको डिटेक्ट ना कर सके। अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक वीपन डोंट फॉलो अ प्री डिटरमाइंड आर्क ट्रेजेक्ट्री एंड कैन मैन्यूवर ऑन द वे टू देयर डेस्टिनेशन। और बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे हाइपरसोनिक वीपन जो है वो नहीं फॉलो करते हैं एक प्री डिटरमाइंड आर्क ट्रेजेक्ट्री को और वो मैन्यूवर कर सकते हैं अपने वे के दौरान डेस्टिनेशन के दौरान। द टर्म हाइपरसोनिक डिस्क्राइब एनी स्पीड फास्टर देन 5 टाइम्स दैट ऑफ साउंड विच इज रफली 760 माइल पर आवर एट सी लेवल। और जो टर्म हाइपरसोनिक है इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी स्पीड जो कि फास्टर हो 5 टाइम्स अधिक साउंड के यानी रफली 760 माइल या 1220 किलोमीटर पर आवर सी लेवल पे तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाएगा। एट हाइपरसोनिक स्पीड द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द फ्लाइट व्हीकल स्टार्ट टू चेंज ब्रेकिंग अपार्ट और गेनिंग अ चार्ज इन ए प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। और हाइपरसोनिक स्पीड में जो एयर मॉलिक्यूल होता है फ्लाइट व्हीकल के पास वो बदलने लगता है, वो ब्रेक होता है, गेन करता है चार्ज को, इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। दिस इज सब्जेक्ट द हाइपरसोनिक व्हीकल टू ट्रेमेंडस स्ट्रेस एज इट पुशेस थ्रू द एटमोस्फियर। ये जो सब्जेक्ट है हाइपरसोनिक व्हीकल का ये ट्रेमेंडस स्ट्रेस क्रिएट करता है जब ये पुश होता है एटमोस्फियर पे। जो टाइप है हाइपरसोनिक वीपन का हम इसको भी समझेंगे तो दो मेन टाइप है हाइपरसोनिक वीपन का, एक है आपका ग्लाइड व्हीकल, दूसरा आपका क्रूज मिसाइल। मोस्ट ऑफ द अटेंशन इज फोकस ऑन द फॉर्मर यानी ज्यादातर फोकस जो है वो ग्लाइड व्हीकल के ऊपर होता है जिसको कि लॉन्च किया जा सकता है रॉकेट के मदद से ग्लाइड करने के पहले टारगेट पे, क्योंकि जो चैलेंजेस होता है अचीव करने का हाइपरसोनिक प्रोपल्शन को मिसाइल का इस कारण ऐसा किया जाता है। द मिसाइल हैव इंजन कॉल्ड स्क्रैमजेट दैट यूज द एयर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस थ्रस्ट ड्यूरिंग देयर फ्लाइट अलाउइंग देम टू क्रूज एज ए स्टेडी स्पीड एंड एल्टीट्यूड। और ये जो मिसाइल होता है इसमें इंजन होता है जिसको कि हम स्क्रैमजेट कहते हैं जो उपयोग करता है एयर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट को अपने फ्लाइट के दौरान, ये अलो करता है उनको कि वो क्रूज करे एक स्टेडी स्पीड और एल्टीट्यूड पे। किनके पास इस टाइप का वीपन है तो यूएस चाइना एंड रशिया हैव द मोस्ट एडवांस कैपेबिलिटी। तो यूएस है, चाइना है और रशिया है, इन तीनों के पास ही सबसे एडवांस कैपेबिलिटी का ऐसा वीपन है। बहुत सारे अदर कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया भी है जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल को। इन फैक्ट इंडिया इज ऑल्सो क्लोजिंग इन ऑन हैविंग सच वीपन इन इट्स आर्सेनल। अगर हम फैक्ट की बात करते हैं इंडिया जो है बहुत जल्द इसको इस टाइप के वीपन को अपने आर्सेनल में शामिल भी करने वाला है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पावर्ड बाय स्क्रैमजेट जिंटर। और इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को जिसको पावर किया गया था स्क्रैमजेट इंजन की मदद से। ये जो आपका हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है ये सर्व करेगा एक क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वीपन का जो कि कम से कम 4 से 5 गुना अधिक होगा रियलिटी में पावरफुल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हम जानेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, कोई भी अगर इस टाइप का रिपोर्ट आता है तो कौन सी संस्था इसको
रिलीज करती है, रैंकिंग क्या है भारत का, उसका नेबरिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया मे बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज अमंग द लिस्ट हैप्पी कंट्री। इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है वर्ल्ड का, लेकिन ये लिस्ट हैप्पी कंट्री है इस इंडेक्स के अनुसार। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंक इंडिया 136th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2022 का, ये रैंक करता है भारत को 136 पोजीशन पे, जो कि 10th बॉटम जो है लिस्ट से वहां पे है भारत का रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब हम इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज अ पब्लिकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पावर्ड बाय गैलुप वर्ल्ड पोल डाटा। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये एक पब्लिकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का, इसको पावर्ड किया गया है गैलुप वर्ल्ड पोल डाटा की मदद से। द रिपोर्ट विद इन 10 ईयर यूजेस ग्लोबल सर्वे डाटा टू रिपोर्ट ऑन हाउ पीपल इवेल्युएट देयर ओन लाइफ बिसाइड इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर। ये जो रिपोर्ट है अपने 10वें साल पर वो यूज कर रहा है ग्लोबल सर्वे डाटा को रिपोर्ट करने के लिए कि किस तरीके से पीपल जो है वो इवेल्युएट करते हैं खुद के लाइफ को इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर के अलावा। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन एवरेज डाटा ऑफ ए 3 ईयर पीरियड ऑफ 2019 to 2021। और जो रैंकिंग है वो बेस्ड है एवरेज डाटा के ऊपर, 3 साल का जो पीरियड था 2019 से 2021 के ऊपर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इवेल्युएट लेवल ऑफ हैप्पीनेस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर सच एज जीडीपी, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम एंड लेवल ऑफ करप्शन इन नेचर। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये इवेल्युएट करता है जो लेवल है हैप्पीनेस का, कंसीडर करते हुए कुछ फैक्टर को, जैसे कि जीडीपी हो गया कंट्री का, सोशल सपोर्ट कितना है, पर्सनल फ्रीडम कितना है, और जो लेवल है करप्शन का हर एक नेशन पे। हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का, फिनलैंड टॉप द लिस्ट फॉर द 5th टाइम इन ए रो अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिनलैंड जो है वो टॉप किया इस लिस्ट में 5वीं बार लगातार, ये 10वीं एडिशन में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। फिनलैंड वाज फॉलोड बाय डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड नेदरलैंड। फिनलैंड के बाद जो है आपका डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नेदरलैंड है, अमंग अदर वेस्टर्न कंट्री। वाइल द यूनाइटेड स्टेट मैनेज टू बैक द 16th पोजीशन, ब्रिटेन वाज रैंक 17 एंड फ्रांस 20। और अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो है उसका 16th पोजीशन है, ब्रिटेन का 17 और फ्रांस का 20। इंडिया जो है कंटिन्यू काफी पुअरली परफॉर्म किया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जिसका पोजीशन जो है वो मार्जिनली इंप्रूव किया है, वो 136 पोजीशन पे है, लास्ट ईयर 139 पोजीशन पे था। अमंग द साउथ एशियन नेशन ओनली तालिबान रूल अफगानिस्तान फायर वर्स देन इंडिया। और साउथ एशियन नेशन की बात करें तो सिर्फ तालिबान रूल अफगानिस्तान ही ऐसा कंट्री है जो कि हम लोगों से सबसे खराब परफॉर्मेंस में है। आप समझ सकते हो कि कहां तालिबान रूल अफगानिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करके इस रैंकिंग को तैयार किया गया है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते होंगे कि रैंकिंग का कितना अच्छा क्रेडिबिलिटी है। अफगानिस्तान वाज नेम्ड द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग लास्ट ऑन द इंडेक्स ऑफ 146 कंट्री। और अफगानिस्तान का जो नाम है वो मोस्ट अनहैप्पी कंट्री में से एक है, जो ये लास्ट रैंकिंग में है 146 कंट्री के। नेपाल का रैंक 84 है, बांग्लादेश जो हमारा नेबर है 94 है, पाकिस्तान का रैंक भी इवन हमसे अच्छा यहाँ पे दिखाया गया 121 रैंक पे। तो आप समझ सकते होंगे कि ये रैंकिंग को कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया। श्रीलंका जहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, लेकिन उसके पहले सब वहाँ पे हैप्पी था, सोच लीजिए इस रैंकिंग के अनुसार, जिसका रैंकिंग 127 दिया गया। हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भी बताता है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ दी कंट्रीज में से एक है जहां पर विटनेस किया गया पास्ट 10 ईयर पे कि गिरावट हुआ है लाइफ इवेल्युएशन पे मोर देन 0 से 10 के स्केल पे। ये इनका अपना हिसाब से है, क्योंकि ये मैनिपुलेट करेंगे ताकि इनको आने वाले समय पे गेन हो सके। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ओवर द ईयर हैप्पीनेस हैज बिकम ए की मैट्रिक टू ट्रैक फॉर नॉट जस्ट कंट्री बट कॉर्पोरेट एज वेल। और ओवर द ईयर्स क्या हुआ, हैप्पीनेस जो है वो एक की मैट्रिक हो गया ट्रैक करने के लिए, सिर्फ कंट्री को ही नहीं कॉर्पोरेट के लिए भी। गोल बिहाइंड द रिपोर्ट इज टू आइडेंटिफाई की डिटर्मिनेंट ऑफ वेलबींग। गोल इसके पीछे रिपोर्ट का ये है कि की डिटर्मिनेंट है ये वेलबींग के लिए, ताकि आप कॉर्पोरेट को भी मैनिपुलेट कर सके ताकि वो उस कंट्री पे इन्वेस्ट कम से कम करे, इस कारण भी ऐसा किया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंट्री को मदद करता है क्राफ्ट करने में पॉलिसी को, जिसका मकसद है अचीव करना हैप्पियर सोसाइटी को। इंटर कनेक्शन बिटवीन लॉ, गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस, व्हाई डू दिस कनेक्शन मैटर। और जो इंटर कनेक्शन है लॉ, गवर्नेंस और हैप्पीनेस के बीच में, और क्यों ये कनेक्शन मैटर करता है, हैप्पीनेस हैज कम टू बी एक्सेप्टेड एज ए गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड दिस डिस्कोर्स हैज गिवन ए फ्लिप टू ए न्यू नैरेटिव वेयर द इंटर कनेक्शन बिटवीन लॉ, गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस आर बीइंग सर्च। हैप्पीनेस जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है कि एक गोल है पब्लिक पॉलिसी का, और ये जो डिस्कोर्स है इसने एक फ्लिप दिया है, न्यू नैरेटिव को जन्म दिया है, जहां पर जो इंटर कनेक्शन है लॉ, गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस का उसको खोजा जा रहा है। एक्सपीरियंस फ्रॉम सेवरल नेशन कन्फर्म दैट कंट्री विथ हायर जीडीपी एंड हायर पर कैपिटा इनकम आर नॉट नेसेसरली दी हैप्पीएस्ट कंट्री एंड देयर एग्जिस्ट अ लिंक बिटवीन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड रूल ऑफ लॉ। और एक्सपीरियंस जो है सेवरल नेशन का ये कंफर्म करता है कि जो कंट्रीज है जिनका हायर जीडीपी व हायर पर कैपिटा इनकम है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री हो, एक लिंक है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और रूल ऑफ लॉ के बीच में। WHR ओवर द ईयर कन्फर्म दी पीपल ट्रेन टू हैव। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो ओवर द ईयर कन्फर्म किया है जो है कि जो पुअर मेंटल हेल्थ है, एक जो लो स्कोर है सब्जेक्टिव वेलबींग का, पुअर परसेप्शन है गवर्नेंस और लॉ ऑन ऑर्डर को लेकर, हाई इनकम लेवल होने के बावजूद
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेम इंडिया स्कीम। तो हम जानेंगे फेम इंडिया स्कीम के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को कई बार हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। अंडर फेम इंडिया स्कीम इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड टू बायर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ एन अपफ्रंट रिडक्शन इन द परचेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है बायर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपफ्रंट रिडक्शन के तौर पर अगर वो परचेज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो एज पर द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एट प्रेजेंट द जीएसटी रेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज 5%। और जो इन्फॉर्मेशन जो कि रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, अभी प्रेजेंटली जीएसटी रेट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो 5% है। जीएसटी रेट आर प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और जो जीएसटी रेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है रिकमेंडेशन के ऊपर जीएसटी काउंसिल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल आर ऑलरेडी एट द लोवेस्ट रेट स्लैब ऑफ 5%। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वो पहले से ही लोवेस्ट रेट में है 5% के स्लैब में। फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कंट्री। कुछ स्टेप है जो कि लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि अडॉप्ट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंट्री पे। तो गवर्नमेंट ने 12 मई 2021 को अप्रूव कर दिया था पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को, ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी को भारत में, ताकि कम किया जा सके जो प्राइस है बैटरी का कंट्री पे। अगर ड्रॉप होगा बैटरी का प्राइस का तो इसके कारण क्या होगा, जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जीएसटी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को उसको रिड्यूस कर दिया गया 12% से 5% कर दिया गया। जीएसटी जो आपका चार्जर चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसको भी रिड्यूस कर दिया गया 18% से 5% कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अनाउंस दैट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल विल बी गिवन ग्रीन लाइसेंस प्लेट एंड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परमिट रिक्वायरमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होंगे उनको ग्रीन लाइसेंस प्लेट दिया जाएगा और उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा परमिट रिक्वायरमेंट से। मोर्ट ने इश्यू किया एक नोटिफिकेशन एडवाइस किया स्टेट को कि वो वेव करे रोड टैक्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, जिससे क्या होगा रिड्यूस करेगा वो इनिशियल कॉस्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब हम फेम इंडिया स्कीम के बारे में भी समझेंगे। फेम इंडिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सेम। जो फेम इंडिया स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी का और इंश्योर किया जा सके सस्टेनेबल ग्रोथ का। फेम इंडिया पाथ है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। मेन थ्रस्ट जो है फेम का कि वो इंकरेज किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोवाइड करके सब्सिडी को। फेम इंडिया स्कीम प्रपोज टू गिव ए पुश टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सीक टू इनकरेज एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय वे ऑफ मार्केट क्रिएशन एंड डिमांड एग्रीगेशन। और फेम इंडिया स्कीम जो है ये प्रपोज करता है कि ये पुश करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और इनकरेज करेगा एडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट क्रिएट करके और डिमांड एग्रीगेट करके। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन टू फेजेस। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दो फेज में। फेज वन जो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया, ये 1 अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया था। फेज टू जो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम इंडिया स्कीम फेज वन के बारे में पहले हम समझेंगे, फिर फेज टू को भी देखेंगे। तो अंडर फेज वन फेम इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था 500 चार्जिंग स्टेशन को, ताकि स्टेब्लिश किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को कंट्री पे। जो 500 चार्जिंग स्टेशन जिसको कि सैंक्शन किया गया था फेज वन के अंतर्गत फेम इंडिया स्कीम के, उसमें 230 चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल कर भी लिए गए थे। फर्दर एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ईईएसएल जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत उन्होंने डिप्लॉय किया था 65 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंट्री पे। फेम इंडिया स्कीम फेज टू में क्या हुआ, तो फेज टू का मकसद था कि वो बूस्ट करे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और इंक्रीज करे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को कमर्शियल फ्लीट के लिए। गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंसेंटिव को इलेक्ट्रिक बसेस थ्री व्हीलर फोर व्हीलर के लिए, ताकि उसको उपयोग हो कमर्शियल पर्पस में। सेंटर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि सेटअप किया जा सके चार्जिंग स्टेशन को। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट प्लेयर का इसके लिए। प्रोजेक्ट जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि आपका एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिफिकेशन रनिंग व्हीकल जैसे कि पेंटोग्राफ चार्जिंग फ्लैश चार्जिंग इसे प्रोवाइड किया जाएगा। फेम टू इनकरेज करेगा इंटरलिंकिंग को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। नीड ऑफ द आवर क्या है, इंडिया नीड ऑटो इंडस्ट्री एक्टिव पार्टिसिपेशन टू इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। द ऑटो एंड बैटरी इंडस्ट्री कुड कोलेबरेट टू इन्हेंस कस्टमर अवेयरनेस एंड प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को आवश्यकता है कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करे आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन को। ऑटो और बैटरी इंडस्ट्री को कोलेबरेट करना होगा, इन्हेंस करना होगा कस्टमर अवेयरनेस को और प्रमोट करना होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन ए फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रोवाइड फिस्कल एंड नॉन फिस्कल इंसेंटिव फॉर फेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी। और गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि वो फोकस करे फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान के ऊपर प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को। वो प्रोवाइड करे फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव फेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, तो हम जानेंगे जो आपका वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी इसके बारे में, तो ये कहाँ लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर न्यूज में क्यों आया इस कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, द सेंचुरी वाज नोटिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट इन 1963 अंडर द मद्रास एक्ट 1882। जो आपका वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु पे, इस सेंचुरी को नोटिफाई किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर 1963 पे मद्रास एक्ट 1882 के माध्यम से। फाइनली 1998 में सेंचुरी को नोटिफाई किया गया अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 1 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पे कि 28,000 लैंड और वाटर बर्ड जो है वो विजिट करते हैं इस प्रेस्टिजियस वेटलैंड सेंचुरी को। ये होम है आपका माइग्रेटरी बर्ड का, जैसे कि पिनकॉल, गार्गेनी, ग्रे वाटर हॉक, ब्लू विंग टेल, कॉमन सैंडपाइपर, इस टाइप के जो माइग्रेटरी बर्ड है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज दी ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी इन दी कंट्री, और ये ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है कंट्री का वेदांगल बर्ड सेंचुरी, जो कि आपका लोकेटेड है तमिलनाडु पे। वेदांगल इन तमिलनाडु मीन्स हेमलेट ऑफ दी हंटर, और जो वेदांगल है तमिलनाडु में इसका मतलब होता है हेमलेट ऑफ दी हंटर। ये न्यूज में क्यों आया था, तो ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और हैबिटेट इकोलॉजी को वेदांगल बर्ड सेंचुरी का तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे जो कंट्रोवर्सियल प्रपोजल था जो रिड्यूस कर रहा था कोर एरिया को सेंचुरी का, इस कारण ये न्यूज में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे, तो हम जानेंगे वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में। हर एक साल मार्च 20 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे के तौर पे, ताकि रेज किया जाए अवेयरनेस को इस बर्ड को लेके। जो पहला वर्ल्ड स्पैरो डे था इसको सेलिब्रेट किया गया था 2010 में डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के। थीम क्या है इस साल का वर्ल्ड स्पैरो डे का, मॉनिटर द स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड, कि मॉनिटर किया जाए स्पैरो और अदर कॉमन बर्ड को। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ये एक इनिशिएटिव है नेचर फॉरएवर सोसाइटी का, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन किया जा रहा है मोहम्मद दिलावर के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंजर्वेशनिस्ट है। स्पैरो जो है वो काफी सोशल बर्ड है और ये ग्रीगेरियस है, हर एक सीजन में पाया जाता है जब वो फीड करते हैं फॉर्मिक फ्लॉक और अदर टाइप ऑफ बर्ड पे। हाउस स्पैरो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है हर एक जगह से, ज्यादातर इंक्लूडिंग भारत से भी। एक्सपर्ट का मानना है कि जरूरत है अवेयरनेस को स्प्रेड करने का उनके कंजर्वेशन को लेकर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।